सब्सक्राइब करें इंफॉर्मेशन हब यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन हब यूट्यूब चैनल। अमेरिका का शुमाली कोरिया का जौहरी ज़खीरा तबाह करने का ऐलान, प्लान सामने आ गया। आज की वीडियो इसी बारे में होगी, तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अमेरिका के लिए शुमाली कोरिया के जौहरी ज़खीरे की गहराई का पता चलाने और उसे तबाह करने का एक ही रास्ता है, और वो ये कि ज़मीनी लड़ाई में मुल्क को फतह किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने यह बात कानून साजों को तहरीर करदा एक मुरासले में कही है, जो शुमाली कोरिया के साथ किसी तनाज़े की सूरत में फौजी इकदाम और जानी नुकसान के बारे में जानने के ख्वाहिशमंद थे। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ रियल एडमिरल माइकल जे डीमोंट ने मुरासले में कानून साजों को बताया कि इस सिलसिले में मुख्फी ब्रेकिंग ज़्यादा बेहतर मामला होगा, जिस दौरान अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की सलाहियत के बारे में बात की जा सके कि किस तरह शुमाली कोरिया की जानिब से जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की सूरत में जवाब दिया जाएगा, और इस तरह शुमाली कोरिया के न्यूक्लियर असले का पता लगाकर इसे तबाह किया जाए जो ज़ेर ज़मीन तनसीबात के अंदर छुपा हुआ है। ईवान नुमाइंदगान के कैलिफोर्निया कैरकन टेडलू और एरिजोना के रोबेन ग्लेको ने ये मालूमात जानने की दरख्वास्त की थी, जो दोनों डेमोक्रेट हैं। डीमोंट के मुरासले पर हफ्ते के रोज़ डेमोक्रेटिक पार्टी के 15 और रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वाहिद कासून साज ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि शुमाली कोरिया के असले के ज़खीरे को तबाह करने के लिए दरकार इकदाम तशवीश का बाइस लगता है, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया कि वो शुमाली कोरिया की सूरत हाल के सिलसिले में लड़ाई की बात ना करें। लेव ने बताया कि लोगों को ये अहम बात समझनी चाहिए कि जौहरी ताकत रखने वाले मुल्क के साथ लड़ाई का क्या मतलब होगा। उन्होंने कहा कि इब्तदाई दिनों के दौरान 30 लाख अफराद हलाक हो सकते हैं, जिनमें से 10 लाख से ज़ायद अमरीकी हो सकते हैं। गलीगो ने कहा है कि कानून साज ये बात यकीनी बनाना चाहते हैं कि इस मामले में मुकम्मल शफाफियत अपनाई जाए, और इस बात पर भी कि अगर हमारे सिविलियन रहनुमा गलत अंदाजे लगाते हैं तो इस सूरत में क्या कुछ रोनुमा हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये न्यूज़, आज की ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।